पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2021 के दोबारा शुरू होने से पहले एक बड़ा हादसा हट गया है। जी हाँ दोस्तों, लाहौर कलंदर्स के विकेट कीपर बेन डंग घायल हो गए हैं। ये हादसा प्रैक्टिस के दौरान आकी लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राणा ने उम्मीद जताई है कि 34 साल के डंग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लाहौर टीम ने इस सीजन में 4 मैच खेले और 3 में उसे जीत मिली है। वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर काबिज। हालांकि लाहौर की टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा राशिद खान और समीद पटेल जैसे विदेशी खिलाड़ी भी मौजूद है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाल ही में टीम के शाहीन अफरीदी को प्रमोट करके उपकप्तान बनाया गया। शाहीन ने पिछले 2 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। बाएं हाथ का ये गेंदबाज हमेशा की तरह गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत करता है और टीम को शुरुआती सफलता दिलाने की कोशिश करेगा। लाहौर की टीम अब तक एक बार PSL का खिताब नहीं जीत पाई है। वही टीम PSL 2021 के दूसरे हिस्से में अपने अच्छे फॉर्म को जारी रखने की उम्मीद करेगी और ट्रॉफी के सूखे को समाप्त करना चाहेगी। अंक ने 4 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 40 की औसत कुल 80 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी सोहेल अख्तर के हाथों में है। टीम शाहीन अफरीदी, फकर जमा, मोहम्मद हफीज जैसे खिलाड़ी भी शामिल है। लाहौर की टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा राशिद खान और समीद पटेल जैसे विदेशी खिलाड़ी भी मौजूद है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाल ही में टीम ने शाहीन अफरीदी को प्रमोट करके उपकप्तान बनाया था। शाहीन ने पिछले 2 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। बाएं हाथ के गेंदबाज हमेशा की तरह गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेगा और टीम को शुरुआती सफलता दिलाने की कोशिश करेगा। लाहौर की टीम अब तक एक बार भी PSL का खिताब नहीं जीत पाई है। टीम PSL 2021 के हिस्से में अपने अच्छे फॉर्म को जारी रखने की उम्मीद करेगी और ट्रॉफी के सूखे को समाप्त करना चाहेगी।